हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जैसलमेर की सीमा सीज, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना विस्फोटक के बाद बाड़मेर जिला प्रशासन चिंता में डूब गया है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीना और जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बाड़मेर की जैसलमेर से लगती हुई बॉर्डर का निरीक्षण किया और वहां पर स्थापित बैरिकेटिंग नाकों की जांच की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक प्रतिनिधियों को किसी भी सूरत में बिना परमिशन के किसी भी वाहन के जिला में प्रवेश पर प्रतिबंध की बात करते हुए उन्हें सतर्क रहकर ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। वहीं बाड़मेर पोखरण से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर पोखरण की दूरी बाड़मेर से मात्र 20 किलोमीटर है। ऐसे में यहाँ के लोगों का बाड़मेर में काफी रिश्तेदारी होने की वजह से लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। आम लोगों को बाड़मेर प्रशासन ने आगाह किया है कि किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्ति को गांव या घर में एंट्री ना दे और अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के यहाँ पाया जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने 80 किलोमीटर का सफर कर बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पर पहुँच कर वहाँ के हालातों का जायजा लिया, साथ ही वहाँ मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत की। सर, ये नाकाबंदी कब से लगाई गई है और आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने निरीक्षण किया है तो आपको क्या दिशा निर्देश मिले? ये नाकाबंदी 22 तारीख से शुरू है, बगियाड़ा चेक पोस्ट है, यहाँ 68 हाईवे पर है। एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने हमारे को निर्देश दिए, सख्त निर्देश है कि कोई भी जैसलमेर से बाड़मेर सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। कोई इमरजेंसी है, ऐसा कोई परमिशन है, उसके अलावा कोई अलग नहीं। बाड़मेर जैसलमेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।